कीबोर्ड मैंने मंगाया है, वो भी अंडर 500 के अंदर मैंने मंगाया। तो आज हम लोग करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या इसकी डीमेरिट है और कैसे चल रहा है, कैसे सब कुछ। मतलब अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो इसको 500 के अंदर इसको मंगा सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही खोल रखा है कुछ इस तरीके का। तो अभी इसको मैं दिखाता हूँ अंदर से ही कैसा होता है। तो थोड़ा सा इसमें ये रैपिंग वैपिंग रहेगी, इसको अभी रख देते हैं थोड़ा सा साइड में। और रैपिंग के बाद जो है इसमें अगर आप ब्रांड देखेंगे तो ये है जगुआर कीबोर्ड, ठीक है। उसके बाद ये जो वाइट कलर के मुझे चाहिए ना, इसलिए मैंने वाइट कलर मंगाया है। और ये है इसका बॉक्स कुछ इस तरीके का। तो इसको अभी खोल के देखते हैं अंदर से, इस तरीके से ये खुलेगा। और खोलने के बाद जो है ये है इसका मेन कीबोर्ड। तो मेन कीबोर्ड ये है, तो ये है। और ये जो है वायरलेस नहीं है, वैसी है वाइट वाला है। तो ये है वाइट कीबोर्ड। इसको मैंने जो है अपने लैपटॉप में चला के देखा, सब कुछ यूज करके देखा, मगर इसमें एक कमी है। जो इसका ये बैक स्पेस वाला है, ये बटन थोड़ा स्लो काम कर रहा है। मतलब इसको ज़ोर से दबाओगे तभी ये काम करेगा प्रॉपरली, और बाकी नहीं तो इसमें सारे जो इसके बटन्स हैं वो वेल कंडीशन में जो है बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप भी कोई 500 के अंदर में देख रहे हो वाइट कलर का, तो इस वाले को आप ले सकते हैं। ये जो है हाईटेक कंपनी का है और जगुआर कीबोर्ड इसका नाम है, कंपनी का नाम है हाईटेक। और ये मैंने ऑर्डर किया है अमेजन से, इसका लिंक मैं दे दूँगा इसकी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। और ये दो इसके हुक हैं, इसको जो आप जो है थोड़ा ऊँचा कर सकते हैं और फ्लैट रखना है तो इसको बंद कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, सर इतना ही। थैंक यू सो मच।